नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्ट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका एक्ट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर। बेसिकली जो एमसीक्यू से रिलेटेड जो आपसे मटेरियल है उसमें ये है कि वो इसकी काइंड्स पहले पूछते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एक्ट्स? देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ एक्ट्स, नेचुरल एक्ट्स एंड ज्यूरिस्टिक एक्ट्स। नेचुरल एक्ट्स को अफआले हिस्सी बोलते हैं और ज्यूरिस्टिक एक्ट्स को अफआले शरई बोलते हैं। ये नोट करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट नेम्स के साथ ये एमसीक्यू पूछ सकता है। अफआले हिस्सी कौन से होंगे जो नेचुरल एक्ट्स हैं, अफआले शरई कौन से होंगे जो ज्यूरिस्टिक एक्ट्स हैं। ठीक है जी। जैसे अफआले हिस्सी कौन से हैं? एक्ट ऑफ बॉडी, फिजिकल एक्ट, मेरा बोलना, मेरा भागना, मेरा काम करना, वो जो मेरे फिजिकल एक्ट्स हैं वो अफआले हिस्सी हैं। दूसरा इसमें शामिल है एक्ट ऑफ माइंड, ठीक है जी, मेरा तखय्युल, ठीक है जी। अब ये दोनों चीजें अफआले हिस्सी, मेरी हिस्से या मेरे उससे जो है वो रिलेटेड है ये दोनों चीजें, तो ये उस चीज को बिलोंग या उस चीज से रिलेट करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट। सेकेंड है जी अफआले शरई, जिसको कि हम ज्यूरिस्टिक एक्ट बोलते हैं। ये अटरेंसेज एंड कॉन्डक्ट है ज्यूरिस्टिक एक्ट। अटरेंस जैसे तलाक प्रोनाउंस करना, ये मेरा ज्यूरिस्टिक एक्ट है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब वो अटरेंसेज डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि तलाक दो सूरतों में है ना, एक तो आप सरीहन तलाक दे रहे हैं वर्ड प्रोनाउंस करके, और एक आप इशारे कनाए से भी देते हैं, गेट आउट फ्रॉम माई होम, या अदरवाइज को वर्ड यूज कर रहे हैं जिसमें इंटेंशन तलाक की है। यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है जी, लेकिन इंटेंशन तलाक की है, नेवर कम बैक, नेवर रिटर्न, गो टू हेल, व्हाटएवर, ये अटरेंसेज हैं, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हैं, एक ज्यूरिस्टिक एक्ट है और एक आपका नेचुरल एक्ट है। नेचुरल एक्ट, एक्ट ऑफ बॉडी, फिजिकल एक्ट, और एक्ट ऑफ माइंड, दो चीजें शामिल है। अफाले शरई के अंदर आपके अटरेंसेज हैं और कॉन्डक्ट है, दोनों चीजें। कॉन्डक्ट द वे कि किसी जुर्म के लिए आप किसी को कोई इशारा, कोई और कॉन्डक्ट, कोई चीज देना, आपका कॉन्डक्ट भी तो हो सकता है ना, जिसके लिए आप लायबल हो सकते हैं, जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो सकते हैं, जिसके लिए आप, ये आपका एक अबेटमेंट है। अबेटमेंट के अंदर आपकी एक्चुअल पार्टिसिपेशन तो नहीं है ना। आप अबेटमेंट के भी आपने जो क्रिमिनल लॉ में चीजें देखी हैं उसमें इसके तीन आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर भी आपके एक्ट जो है वो फिर शामिल है। फिर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, वॉलेंटरीली जो आप खुद अपने माइंड के साथ जो है अपनी एफर्ट के साथ कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री जो आपसे सहवन हो रहे हैं, ठीक है जी। जैसे रोजे में भूल से कोई चीज खा लेना एक इनवॉलेंट्री एक्ट है ना, आपने इनवॉलेंट्री एक्ट किया, आप बंदूक साफ कर रहे थे, इनवॉलेंटरीली जो है वो उससे कोई फायर हो गया, आपको नहीं पता था, बंदूक साफ करते हुए फायर हो गया, इनवॉलेंट्री, आपकी इंटेंशन नहीं थी वहां पे, ठीक है जी। अब उसके बाद आपका जी एक्ट क्रिएटिंग राइट्स। अब वो एक्ट जिससे राइट क्रिएट होता, जैसे आपने विल लिख दी तो इसने क्रिएट राइट क्रिएट कर दिया कि फलां के मरने के बाद फलां जो है उसका जो है वो विल जो बिक्वेस्ट जो है उसके उसकी रूह से उसका मालिक बनेगा। रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल एक्ट्स। रिवोकेबल एक्ट जो आप रिवोक कर सकते हैं, जैसे तलाक है, रिवोकेबल भी है, इररिवोकेबल भी है। अटरेंसेस है ना ये बेसिकली, अटरेंसेस है बेसिकली। अटरेंस मीन जो बोल रहे हैं, जो वर्ड्स अटर कर रहे हैं आप, ठीक है जी। उसमें फिर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ गए जिसमें कि आपके हुक्म शरई है, कमांड रूलिंग है, उसमें फिर आके हुक्म तकलीफी भी है, हुक्म वदई भी है। हुक्म तकलीफी क्या है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है जी। हुक्म वदई क्या है? कि आप एक कॉज या कंडीशन और रूल बना देते हैं, कोई इंपेडिमेंट बन देते हैं, जैसे वाजिब है, फर्द है, मंदूब है, हराम है, मकरूह है, मुबाह है, ये भी आपके एक्ट्स हैं। एक आपका फर्ज है नमाज कायम करना, ये आपका ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी, ये आपके ऊपर फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है जी। हराम प्रोहिबिटेड, क्या आपने ये एक्ट परफॉर्म नहीं करना, मतलब शराब है, जुआ है, आपने ये चीज परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है जी। देन आपका एक मकरूह भी है, जैसे कि मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स, मोस्ट रिकमेंडेड एक्ट में से सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा है, मकरूहात है, वो आपका तलाक प्रोनाउंस करना है कि आप ना करें, जितना उससे बच सकते हैं बच सकते हैं, ठीक है जी। कोई मकरूह चीज है और कोई चारा नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आपका मुबाह है,
जो परमिसिबल है, परमिसिबल एक्ट, जो कि नॉर्मल नेचर में तो नहीं लेकिन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको परमिट कर दिया जाता कि आप ये काम कर सकते हैं, तो ये भी आपके एक्ट्स हैं। तो इन इन इनके नाम जेन में रखें, ये जो चार पांच एक्ट्स मैंने बोले हैं, वाजिब एंड फर्ज, मंदूब, हराम, मकरूह एंड मुबाह, ये पांच किस्म के अफाल हैं, ठीक है जी। एक अफाल हिस्सी हैं, एक अफाल शरई हैं, दोनों का डिफरेंस भी मैंने बोल दिया। तो ये दोनों चीजें, दोनों नेम्स जो है वहां पे आ सकते हैं। अब राइट्स पे आ जाएं, राइट्स में दो दो इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, राइट्स ऑफ गॉड एंड राइट्स ऑफ मेन, पब्लिक राइट्स, प्राइवेट राइट्स। राइट्स ऑफ गॉड में क्या शामिल है? एक्ट ऑफ डिवोशन एंड रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, नमाज कायम करना राइट ऑफ गॉड है, जकात देना राइट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ डिवोशन एंड एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेंस है ना, शरई रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है। इसके बाद परफेक्ट पनिशमेंट्स भी हैं, जैसे कि चोरी कर ली तो परफेक्ट पनिशमेंट जो कुरान कह देते हैं, जिसका हाथ दायां काट दें, हाथ काट दें इसका, ठीक है जी। इम्परफेक्ट पनिशमेंट, जिसमें परफेक्ट तो नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूटरी पनिशमेंट है, खाना खिला देना, अटोनमेंट, कफारा, आपसे कोई ऐसा शरी गुना हो गया, अब उसका कफारा जो है वो शामिल है उसके अंदर, कफारा जो है शामिल है उसके अंदर। तो ये अटोनमेंट, एक्सपिएशंस, इम्पोस्ट या रिलीजियस टैक्सेस, जैसे कि आपके ऊपर फाइन डाल दिया गया, रिलीजियस टैक्स के ऊपर आप जकात, उशर, जिजिया, जकात, उशर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। वक्फ वगैरह कि आप ये कर दें, तो ये भी ये राइट्स ऑफ गॉड है कि आप ये रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे काम कर रहे हैं, दीज आर राइट्स ऑफ गॉड। उसमें एक्ट ऑफ डिवोशन भी है कि आप खिरात कर रहे हैं, एक्ट ऑफ डिवोशन है, आप किसी को और कोई ऐसा, आप मदरसे तमीर करवा रहे हैं, आप पानी के हौज बना रहे हैं या आप टैंकियां लगवा रहे हैं, एक्ट ऑफ डिवोशन, या कोई और किसी की मदद कर रहे हैं आप, ठीक है जी। इसी तरह आप रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है, जितने भी आपके शरई रिक्वायरमेंट हैं, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस हैं, हज कर रहे हैं या जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीजों को, वो तमाम वो भी इसमें शामिल है। ये राइट्स हैं, राइट्स ऑफ गॉड। उसके बाद राइट्स ऑफ मैन, ठीक है जी। अब राइट्स ऑफ मैन कौन से हैं? पर्सनल सेफ्टी, ठीक है जी, क्योंकि कुरान आप बेसिकली क्या है कि किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू, उसका तहफुज आपको जो है वो देना ही देना है, ठीक है जी। आप किसी को जो है वो किसी की नाहक जान नहीं ले सकते, ठीक है जी। नाहक किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, या वैसे भी किसी के बारे में कोई इल वर्ड्स जो है वो नहीं बोल सकते, ठीक है जी। रेप्यूटेशन, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते, तोहमत वाला एलिमेंट जो है ये भी बड़ा सिचुएशन है, ठीक है जी। तोहमत अगर आप रिलेटेड टू चेस्टिटी है, वो भी आप जिसको आप कजब बोलते हो, ठीक है जी, फॉल्स एक्यूजेशन। उसके बाद ऑनरशिप, फैमिली एंड मैरिटल राइट्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉफुल एक्ट, वो सारे राइट्स ऑफ मेन के अंदर शामिल है। फिर कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी लिबर्टीज हैं, ठीक है जी, वो सारी शामिल। अब फिर राइट ऑफ स्टेट भी है। राइट ऑफ स्टेट क्या है? दे आर इन्फोर्स थ्रू लेजिस्लेशन एंड ऑर्डर्स, वो कोडिफाइड लॉ भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन राइट्स ऑफ गॉड जो है वो थ्रू को आपको कुरान या थ्रू प्रिसेप्ट आपको जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जो है उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। इट इज वन ऑफ द चैप्टर, इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से नहीं आते।